आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी जो हम व्रत में भी खा सकते हैं। इसके लिए मैंने आलू को बॉईल करने के लिए उसको गैस पर चढ़ा दिया है और बॉईल आलू को मैंने छिल के उसको देख रही हूँ चम्मच से कि वो ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इसको हाथों से ही मैश करके बिल्कुल आटे के जैसे बिल्कुल बहुत मैश कर देना है। उसके बाद हमने लेना है कुट्टू का आटा, जिसे हम फफरीटा भी बोलते हैं। कुट्टू के आटे को आलू के साथ मिला के उसे अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा चीनी स्वाद के अनुसार डाल देनी है और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद बस हमें इसको गूंद लेना है अच्छे से। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। हमको इसकी गोल गोल पैड़ी बनाकर इसको बिल्कुल रोटियों की तरह बेलना है। थोड़ा सा ये डेलिकेट होता है तो फटने का डर होता है, तो हम ऊपर से आटा लगा सकते हैं। बिल्कुल रोटी की तरह हम इसे डाल दें, ऊपर से हम घी लगा सकते हैं स्वाद को और बढ़ाने के लिए। और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और ये है हमारे कुट्टू और आलू का पराठा तैयार।